Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। कृष्णा, ये तुम क्या कर रही हो? अरे माधव है ना, सब कुछ कर लेगा। तुम यहाँ आओ, हमारे पास बैठो। माधव वो कर लो, यहाँ बैठो। चलो तुम्हारे सर में हम ही तेल लगाते हैं। माँ जी, आप हमारे सर में तेल? नहीं नहीं, रहने दीजिए, हम लगा लेंगे। ये काहे कह रही हो? हम तुम्हारी माँ नहीं है का? कहते ही तेल लगाने से फायदा होता है और ठंडक भी पहुंचता है सर में। कृष्णा, आज के बाद तुमको अपना और इस होने वाले बच्चे का बहुत ख्याल रखना होगा। चाची, हमारा बड़ा वाला ड्रग नहीं मिल रहा, आप हमारे लिए ढूंढेंगे प्लीज? अरे सुनो, तुम तैयार नहीं हुए? स्कूल नहीं जाना है का? चाची हमको तैयार करेंगी तो ही हम स्कूल जाएंगे ना। सुनो, जाओ बेटा, नई मम्मी से कह दो, वो तुमको तैयार कर देगी। अरे पिंकी बेटिया, जरा सुनुआ को तैयार कर दो, स्कूल जाना है, देरी हो रहा है। माँ जी, कहा है ना कि हम ऑफिस जा रहे थे तो। कोई बात नहीं बेटिया, अब आज देरी से चली जाना, सुनुआ को भी देरी हो रहा है ना, तुम इसे तैयार कर दो। जी माँ जी। चलो सब बताओ ना बेटा, क्या हुआ है? अरे राम रे, कोयला खदान का सांप बीची गोजड़ का नहीं खा लेता है। बस हमें जल्द से जल्द इस समस्या का हल ढूंढना होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो कोयला खदान घर में सबका दुलारा बन जाएगी और उसे देख देख कर हम अपना खून चलाते रहेंगे। अरे पिंकी, कहीं वो एडमिट कार्ड वाला मामला कचड़ा में डालने के चक्कर में तो गड़बड़ होती होने का नाटक नहीं कर रही? अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम वो कोयला खदान को अपनी छाती पर मूंग दलने नहीं देंगे। जल्दी कुछ सोचो मम्मी। अरे पिंकी, सोच लिया, वो कोयला खदान के जीजा को बुलाओ। निर्मल जी, पहले तुम उनको बताओ कि प्लान का है। तनिया, एक फंदा आगे और एक उल्टा। ये बताओ कितने घर बनाए? कुछ 50। 50? नहीं नहीं 40 बहुत है। अरे आ जा पिंकी बेटा, आ जा, बैठ बैठ। कैसा रहा आज का दिन? जी अच्छा था बाबू जी। गजब। पिंकी बिटिया, हाथ मुंह धो लो और कुछ खा पी लो, बहुत थक गई होगी। जी माँ जी। छोटी बहू,
तिलका मांझी बुक डिपो से एक आदमी आया है आपके लिए किताब लेकर, और 15,000 का बिल भी लाया है। कहा? गलती से आ गया होगा। कृष्णा को किताबों का क्या जरूरत है, है ना कृष्णा? हम बात करके आती हैं। एक मिनट, एक मिनट। अब माधव, उस आदमी को बोलो कि किताब और बिल लेकर अंदर आ जाए। तो जी मालिक। भाई कौन भेजा तुमको, कौन बोला कि इतना सारा किताब इस पता पर पहुंचाओ? जी कृष्णा जी कहे। किस चीज का किताब है ये, जरा देखो तो, कहीं बच्चा का पालन पोषण का किताब तो नहीं है ना? जी नहीं, ये तो IAS की तैयारी का किताब है। ये देखिए IAS का गाइड है। छोटी बहू, ये सबका नया नाटक है। तुम तो हमसे बोली थी ना कि तुम IAS का परीक्षा नहीं दे रही हो, फिर ये सब किताब काहे के लिए मंगवाई हो? अफसरी का भूत अब तक दिमाग से उतरा नहीं है का? झूठ बोल के इस घर में वापस आ गई और यहां किताब का बंडल पर बंडल मंगवाया जा रहा है। भाई साहब सच सच बताइए, कौन मंगवाया किताब आपसे? जी कृष्णा जी। काउ खुद आई थी ऑर्डर देने? नहीं नहीं, वो नहीं आई थी, कोई आदमी आया था किताबों का ऑर्डर देने के लिए। ये आदमी तो नहीं था? नहीं, इनमें से कोई नहीं। बाबूजी, इनको कोई गलतफहमी हुआ? अरे गलतफहमी क्या, हमारे घर में होगा, आया भी हमारे पते पर है और नाम भी तुम्हारा ही है। ऑर्डर किया होगा तभी आया है ना कृष्णा? हम बस इतना जानते हैं कि हम ये सब किताब नहीं मंगवाए, बाकी कौन मंगवाया कैसे मंगवाया ये सब जानने में हमको कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ अगर आपको है जेठानी जी तो आप पता कर लीजिए। बाबूजी, अब भी अगर आपको हम पे संदेह है तो आप जैसा चाहे जितना चाहे ये दुकान वाले से पूछताछ कर सकते हैं। माफ कर दीजिएगा, ये सब लेकर चले जाइए, हम में से किसी ने नहीं मंगवाया। जी
Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।